तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर सरकार की नीयत पर एक सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि किसान 1 नवंबर से धान बेचना चाहते हैं, रकबा बढ़ा रहे हैं, लेकिन धान खरीदी की अवधि कम करने का निर्णय क्यों लिया गया, क्या सरकार की नीयत में खोट है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मामले में पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि खोट को कांग्रेस की सरकार में देखा गया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब धान खेती खाने के लिए नहीं बल्कि खजाने के लिए की जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कैसे धान खरीदी में गड़बड़ी की थी और कैसे यहां पर एक मुश्त राशि जो है वो नहीं दी गई। आखिर सरकार की नीयत क्या है जो 15 नवंबर से धान खरीदी करने का निर्णय सरकार ने लिया है, जबकि फसल हो चुकी है, फसल कट रही है और किसान 1 नवंबर से ही धान बेचना चाह रहे हैं, और जबकि इस समय कि किसानों का पंजीयन भी बड़ा है, पैदावार भी ज्यादा हुआ है और रकबा भी बड़ी है, और इसके बाद भी धान खरीदी की अवधि कम करना, धान पूरे किसानों का पूरा खरीदा जाएगा, उसमें कोई संशय न रहेगा किसी को। भैया विष्णुदेव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है, और विष्णुदेव जी की सरकार में बिल्कुल स्पष्ट जैसे कहा गया कि एकड़ के पीछे 21 क्विंटल लेंगे, लिया, कुंटल के पीछे 3100 देंगे कहेगा, कहा था दिया, और 3100 की राशि को भी एक मुश्त देंगे, 4 किस्त में नहीं देंगे, वह भी उन्होंने किया है। इसके साथ ही साथ 2 साल के बोनस की बात कही थी उन्होंने, वो पूरा किया है उन्होंने, तो बहुत स्पष्टता के साथ काम है। अभी भी सब कुछ होगा, खरीदी होगा। मसला ये है कि 1,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले वर्ष हुई है और इस बार ये है कि 1,50,000 टन जाएगा, तो बहुत बड़ी खरीदी है, और इस बहुत बड़ी खरीदी की व्यवस्था के नाते थोड़ा सा ये आग्रह किया।